वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, क्रिसमस की छुट्टियां चल रही है और मैं आई हूँ वन वीक के लिए पूना। और आज हम जाने वाले हैं पुणे के बहुत ही फेमस किला देखने, जिसका नाम है सिंहगढ़ किला। तो चलो दोस्तों, अब हम निकलते हैं। तो दोस्तों, पुणे का सिंहगढ़ किला महाराष्ट्र के सभी प्रसिद्ध किलों में से एक किला है। सिंहगढ़ जाने वाले रास्ते पर आप बहुत ही खूबसूरत कुदरत के नज़ारे देख सकते हो दोस्तों, जैसे कि आप अभी देख रहे हो। तो फाइनली अब हम गढ़ के नीचे पहुंच गए हैं, अब हमें गढ़ चढ़ना होगा। तो दोस्तों, गढ़ चढ़ते समय आपको तीन दरवाजे देखने को मिलेंगे। तो ये पहला वाला दरवाजा है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर नक्शा भी लगाया हुआ है, तो आप नक्शे के हिसाब से सिंहगढ़ किला घूम सकते हो। तो दोस्तों, आप जैसे जैसे गढ़ चढ़कर ऊपर जाते रहेंगे ना, तो आपको ऊपर से नीचे का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत दिखने लगेगा, जैसे कि आप अभी देख रहे हो। तो ये किला तकरीबन 2000 साल पुराना है दोस्तों, और इसे पहले कोंडाना के नाम से जाना जाता था, और ये किला महाराष्ट्र साम्राज्य की शान है दोस्तों। छत्रपति शिवाजी महाराज के सरदार तानाजी मालुसरे और उनके सैनिकों ने युद्ध करके इस किले को जीत लिया, लेकिन इस युद्ध में तानाजी मालुसरे वीर गति को प्राप्त हो गए, तो उनकी याद में शिवाजी महाराज ने इस गढ़ का नाम सिंहगढ़ रख दिया। इस जगह को देखिए दोस्तों, इसे कहते हैं तोपखाना। तो कहा जाता है पुराने जमाने में इस जगह पर तोपों को स्टोर किया जाता था और बारूद भी रखी जाती थी। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक कुआं है, और इस तरह के कुएं आपको किले पर बहुत जगह पर देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो, बहुत ही चटपटे मसाले मिलाकर यहाँ पर कटे हुए अमरूद, कटे हुए आंवला और करवंद रख दिए हैं। तो इसमें से मैं कटे हुए अमरूद की और एक आंवले की कटोरी ले लेती हूँ, और इसकी प्राइस है 20 रुपये। तो दोस्तों, ये वही जगह है, इसी जगह पर तानाजी मालुसरे और उदयभान राठौड़ इनकी लड़ाई चल रही थी, और लड़ते समय वीर तानाजी मालुसरे इनकी हाथ की ढाल टूट गई। जब उनकी ढाल टूट गई, तब उन्होंने अपने सर का फेटा निकालकर ढाल की जगह पर हाथ पर लपेटने लगे। उसी टाइम पे उदयभान राठौड़ ने उनका लेफ्ट हाथ तोड़ दिया। वीर तानाजी मालुसरे इनका हाथ टूट गया, फिर भी वो लड़ते रहे, और लड़ते लड़ते वो वीर गति को प्राप्त हो गए, और ठीक उसी जगह पर तानाजी मालुसरे इनकी समाधि बनाई गई। तो आप देख सकते हो दोस्तों, ये है वीर तानाजी मालुसरे इनकी समाधि, और ठीक उसके बाजू में है वीर तानाजी मालुसरे इनकी प्रतिमा। तो दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज जी को जब कोंडाना जीतना था, उसी वक्त उनके सरदार तानाजी मालुसरे इनके बेटी की शादी होने वाली थी, लेकिन जब ये बात तानाजी मालुसरे इनको पता चली, तब उन्होंने एक सेंटेंस कहा, और वो ये था दोस्तों, आधी लगीन कोंडान्याच मग माझ्या राईबाच। इसका मतलब है दोस्तों, पहले हम गढ़ जीत लेंगे, पहले हम कोंडाना हासिल कर लेंगे, फिर मेरे बेटे राईबा की शादी होगी। जब लड़ते लड़ते तानाजी मालुसरे जी वीर गति को प्राप्त हो गए, और छत्रपति शिवाजी ने उनको देखा, तब उसी वक्त शिवाजी महाराज ने एक सेंटेंस कहा था, और वो ये था दोस्तों, गढ़ आलापन सिंह गेला। इसका मतलब है दोस्तों, गढ़ तो हमें मिल गया, गढ़ को तो हमने हासिल कर लिया है, लेकिन सिंह चला गया। सिंह मतलब हमारे वीर तानाजी मालुसरे, जिन्होंने शेर जैसे दहाड़ कर लड़कर सिंहगढ़ को हासिल कर लिया।
तो दोस्तों बहुत ही घूमने के बाद अब हमें भूख लगी है। तो मैंने सुना है यहाँ पर पिटला भाकरी, कांदा भजी और बैंगन का भरता बहुत ही स्वादिष्ट मिलता है, तो हमने वही ऑर्डर किया है। और यहाँ पर पेड़ों के नीचे इस तरह की चटाई डाली होती है। अब हमारा खाना भी आ गया है, अब हम खाने को इंजॉय करते हैं। तो यहाँ पर है ज्वार की रोटी, उसके साथ थोड़ा सा प्याज दिया है। ये है महाराष्ट्रियन पिटला और ये है महाराष्ट्रियन ठेसा, मतलब ये हरी मिर्च की चटनी होती है दोस्तों। और ये है यहाँ की स्पेशल चटनी जो पकोड़े के साथ दी जाती है। यहाँ पर मैंने एक प्लेट बैंगन का भरता मंगाया है और एक प्लेट भजी भी मंगाई है। तो अब मैं इसे टेस्ट करके देखती हूँ, दिखने में तो बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है, अब हम खाकर देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ का पिटला भाकर तो बहुत ही डिलीशियस था, अब हम कांदा भजी खाकर देखते है। तो भजिया भी बहुत ही बढ़िया थी दोस्तों। कुल मिलाकर यहाँ का खाना बहुत ही लाजवाब था, मुझे तो बहुत ही पसंद आया। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहती हूँ, आप जब भी सिंहगढ़ किला आएंगे ना, तब यहाँ का खाना पिटला भाकरी बैंगन का भरता आप जरूर टेस्ट करें। तो अब हमारा खाना भी हो गया है, अब हमने थोड़ा यहाँ पर बैठकर रेस्ट भी कर लिया है, अब हम और थोड़ा घूम लेते हैं दोस्तों। तो चलो तो दोस्तों अगर आपको सिंहगढ़ किला देखना आना है दोस्तों, वैसे तो आप कभी भी आ सकते हो। विंटर सीजन में आओगे तो आपको सभी जगह पर फॉग नजर आएगा, रेनी सीजन में आओगे तो आपको सभी जगह पर हरियाली नजर आएगी, और अगर आप समर सीजन में आना चाहते हो तो तब भी नज़ारा बहुत ही खूबसूरत रहता है। तो मेरे हिसाब से आप कभी भी सिंहगढ़ किला देखने आ सकते हो, लेकिन आपको सुबह में जल्दी आना होगा। अगर आप सुबह में जल्दी आ जाएंगे तो पूरा दिन आप सिंहगढ़ किला अच्छे से घूम सकते हो। तो दोस्तों अब हम जिस जगह पर आए हैं, इसे कहते हैं घोड़ेंची पागा, मतलब घोड़े का तबेला। तो इसी जगह पर सारे घोड़ों को बांध दिया जाता था। तो दोस्तों अब शाम होने लगी है, अब हम गढ़ के नीचे चले जाते हैं। तो दोस्तों सच कहूँ तो मैं यहाँ पर घूमने के लिए आई थी, सिंहगढ़ किला देखने के लिए आई थी, लेकिन इस जगह पर आकर मैंने सिंहगढ़ किले के इतिहास के बारे में बहुत सारी बातें जान ली दोस्तों। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ आकर, और मैं वो सारी बातें अपने साथ लेकर जा रही हूँ दोस्तों, जो कभी भी मेरे दिमाग से नहीं जाएगी। यहाँ आकर मैंने बहुत सारी बातें भी जान ली जो मुझे पता नहीं थी, थोड़ी मस्ती भी कर ली। अब हम निकलते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।